नमस्कार, इंडिया टैप न्यूज में आपका स्वागत है। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला शांतिभंग में बदला। महोबा योगी सरकार में पुलिस का अपराध नियंत्रण का गजब फार्मूला है। दुष्कर्म के मामले को भी पुलिस ने शांतिभंग में तब्दील कर दिया। मामला अजनर थाने से संबंधित एक गांव का है, जहां खेत में हरियाली काट रही महिला के साथ गांव की एक दबंग व्यक्ति ने बुरी नीयत से उसे पकड़ा और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि वह धौरा चौकी में गई, वहां से उसे डांट डपट कर भगा दिया गया। अजनर थाने में भी उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद वह पुलिस अधीक्षक महोबा की चौखट पर भी न्याय पाने हेतु गुहार लगाई, किंतु पुलिस अधीक्षक से भेंट नहीं हो सकी। मामला तूल पकड़ते देखकर अजनर थाना पुलिस ने उक्त आरोपी को धारा 151 में चालान करके खानापूर्ति कर ली। उक्त दबंग जमानत पर छूटकर उस महिला को समझौता करने के लिए, चुप रहने के लिए बुरी तरह से धमका रहे हैं। योगी राज में किस तरह पीड़ितों को न्याय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, इसे पुलिस की कानून नियंत्रण करने की नीति कहें या गुलाबी गांधी की चमक, एक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले को महज शांति भंग के रूप में परिवर्तित करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें अब पीड़िता को न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाना पड़ रही हैं। वो पीड़ित परिवार आज दबंगी के दहशत के साए में जीने को मजबूर है। आइए जानते हैं पूरा मामला। हुई है आपके साथ, बताएं इनको। हम हरियाली पटाने के लिए गए थे, राई के खेत में गए थे, तो गुड़िया हमारी थोड़ी दूर रहती, हम पटाए थे तो उसके जान के यहाँ कोई नहीं है, अकेली है जा। तो वो आया तो उसने हमारा मुँह मूंदा, तो हम मुँह मूंद के उसने हमने देखा कि कौन है, तो हम चिल्लाने तो उसने मुँह मूंदा, तो हम ऐसे हाथ करके हमने देखा तो केश नेपाल रहा है। तो हमने कि यहाँ काय के लिए आया है, तो बोले रुजवा रुजवा भगावे के लाने। हमने कि इतिया है तो बोलो रुजवा, हमारे ऊपर रुजवा भगा रहा। तो फिर हमारी गुड़िया आई, तो गुड़िया हमने आवाज दाई, तो गुड़िया बोली कि क्यों चाचा जो क्या कर रहा है, हमारी मम्मी की साड़ी आड़ी उगर गई, वो मम्मी हमारी क्या पादा हो गई, जो क्या कर रहे तुम। फिर वो हमसे थोड़ी दूर होगा तो उसने किया कि जो मोना चला नहीं, तो हम फिर मार गए। पहले निवास बोल रहा है, क्या मामला हुआ भैया आपके साथ? सर मामला, हम ग्राम नरवारा के रहने वाले हैं और धौर्रा चौकी लगती है हमारी, और मामला ये था कि हम तालाब में ही टेंटे बनाते थे, एक दो बकरी थी हमारी, सो वहाँ हम बांध देते थे और पास में तालाब के बगल में खेत में हरियाली पटाने जाते, तो पहले हम हमें से जाते रहे, फिर हम बिजी थे, तो फिर हमारी मैसेज वो लड़की गई, तो फिर ये केस नेपाल आया और इसने पीछे से पकड़ा इनको महमूदा, आके जी चिल्ला ना पाए हम, नीयत खराब के कारण हम कुछ कर सकें इसके ऊपर। फिर जो लोग हमारी मैसेज ने आवाज़ दी कि लड़की दौड़ी, फिर सो फिर बोली, लड़की बोली कि ये क्या कर रहे चाचा, और हमारी मम्मी की धुतिया उतिया ऊपर से उगर गई, और बस थोड़ी देर दूर हो गया, और बोले कि ज़्यादा किसी को बताना नहीं थे, हम फेर मार देंगे। आपने कहीं शिकायत की? हमने शिकायत पहले गए धौर्रा चौकी में, पुलिस बोले चलो हम देखते हैं, हमारे साथ भी जैसे आए तो मायना करके चले गए। फिर हम थाने पहुंचे अजनर में, रिपोर्ट ली नहीं गई ना, हमको कोई पावती दी है, और क्या बोले तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको एक छोटे से केस में उनको निपटा दिया गया। कौन सा केस, किस धारा में उसका चालान किया है, उसका क्या किया, उसका किस धारा में चालान, उसका चालान किया 151 धारा में, उसकी जमानत कुल पहाड़ से कर होगी। और बस बोलो, और फिर वे लोग हैं बिलादजन हैं, तो बोले जमानत हो जाने दो, तो फिर हम सालों को हाथ गोड़े तोड़ देंगे, वो कहीं दे देंगे, तो उनको कहीं चोरी भड़ियाई में बिता देंगे। और हमने सुनी कि अब जमानत हो गई, तो हमको डर भी है, कहीं आने जाने में खतरा भी है, तो अब हम लोग क्या करें।